बीपिंग प्रॉब्लम वो तब आती है जब हार्ड डिस्क या तो लगी ना हो या हार्ड डिस्क में कोई इश्यू आ रखा हो। तो जैसे आप देख रहे हैं इवेंट्स के अंदर, अब जैसे कि बाहर आते हैं आपका डीवीआर चल रहा है लेकिन उसमें कंटिन्यू बीप बज रही है, तो आपको मेनली करना क्या मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको राइट क्लिक मार के मेन मेन्यू ओपन करना है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है जो आपके डीवीआर का पासवर्ड हो, एंटर मारना है, ओके करना है। देन इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कैमरा नीचे की साइड से, कैमरा, नेटवर्क, इवेंट, स्टोरेज सिस्टम। तो आपने इवेंट में जाना, नीचे वाले ऑप्शन, एक सेंटर में ऑप्शन भी है इवेंट्स का, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, आपका नीचे है सेटिंग का ऑप्शन इवेंट्स का। तो आपने इवेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे तो एक डिटेक्ट का ऑप्शन है, एक अबनॉर्मलिटी का ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे अबनॉर्मलिटी क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखेंगे नो डिस्क, तो यहाँ पे आपने नो डिस्क यहाँ से एनेबल पे क्लिक लगा हुआ है तो क्लिक को हटा देना है, इसको अप्लाई कर देना है। इसमें आप देखेंगे तो और भी दो ऑप्शन होंगे, एक है डिस्क एरर, अभी आप देख रहे हैं डिस्क एरर पर भी क्लिक लगा हुआ है, तो इनकेस आपकी डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कोई दिक्कत आ रही है तो भी ये बीप कंटिन्यू बोलेगा। तो अगर आपको ये वाला क्लिक भी हटाना हो तो हटा सकते हो, बट मेरी जो इश्यू था सिर्फ ये था कि मेरी हार्ड डिस्क लगी नहीं हुई, तो मैंने अपना नो डिस्क में से क्लिक हटा दिया, तो मेरा बजर बजना बंद हो गया, अपना सेव कर दीजिए इसे। ये मेरा जो बीपिंग प्रॉब्लम थी मेनली वो ख़त्म हो गई, अब मेरी हार्ड डिस्क नहीं है फिर भी मेरे डीवीआर में कोई बीप नहीं बज रही। जैसे मेन मेन्यू देखते हैं, हार्ड डिस्क चेक करने की देखना है, मैं स्टोरेज में, स्टोरेज में जाके हार्ड डिस्क सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा आपको, इस पे जाके दिख जाएगा आपको कि हार्ड डिस्क लगी नहीं हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल के अंदर कोई भी डिवाइस आईडी नहीं है, टाइप नहीं है, स्टेटस नहीं है, 0 MB की हार्ड डिस्क, 0-3, तो इसका मतलब कि मेरी हार्ड डिस्क लगी नहीं हुई और उस वजह से बीप बज रही थी मेरे डीवीआर में, अब वो बीप बजनी बंद हो गई क्योंकि मैंने हार्ड डिस्क को जो इवेंट के अंदर सेटिंग थी उसमें से मैंने अनमार्क करके सेव कर दिया। अब मेरी हार्ड डिस्क नहीं भी है तब भी बीप नहीं बजेगी। दौवा के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनानी स्टार्ट की है अभी, तो अगर आपने दौवा के बारे में कुछ भी जानना है, जैसे कि इंटरनेट से ज्वाइन कैसे करना है या फिर काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके, फॉर्मेट मारना हो, डीवीआर को रिबूट करना हो, पूरा का पूरा डिफॉल्ट सेटिंग करनी हो, ऐसी काफ़ी सारी वीडियो कमिंग सून में जल्दी आने वाली हैं, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको दौवा के बारे में कुछ भी जानना है। CP+ की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जानना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, CP+ के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। टेक केयर।